भारतीय जनता पार्टी मुरादाबाद महानगर इकाई के तत्वावधान में झारखंड से कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू के ठिकानों पर आयकर विभाग की छापेमारी में बरामद हुई 300 करोड़ रुपए से अधिक की नकदी के विरोध में कलेक्ट्रेट परिसर में धरना प्रदर्शन किया और जिलाधिकारी मुरादाबाद के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति को एक ज्ञापन सौंपा। इस अवसर पर धरने को संबोधित करते हुए भाजपा महानगर अध्यक्ष संजय शर्मा ने कहा कि झारखंड से कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू के ठिकानों पर आयकर विभाग की छापेमारी हुई, जिसमें 300 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि बरामद की गई है। इससे साफ होता है कि कांग्रेस का एक ही उद्देश्य है, भ्रष्टाचार करना। पूरी कांग्रेस पार्टी एक करप्शन सेंटर है। आने वाले लोकसभा चुनाव में हमारा देश पूरी तरह से कांग्रेस मुक्त हो जाएगा, पूरे देश में कमल ही कमल खिलेगा। इस मौके पर भाजपा महानगर अध्यक्ष संजय शर्मा, विधान परिषद सदस्य गोपाल अंजान, लोकसभा संयोजक डॉक्टर विशेष गुप्ता, महानगर महामंत्री श्याम बिहारी शर्मा, दिनेश शीशवाल, नत्थू राम कश्यप, क्षेत्रीय सह मीडिया प्रभारी निमित जायसवाल, महानगर मीडिया प्रभारी राजीव गुप्ता, अतुल सोती एडवोकेट, हेमराज सैनी, राहुल शर्मा, दिनेश सिसोदिया, गिरीश भंडूला, चंद्र प्रजापति, राहुल सेट्टी, शम्मी भटनागर, सुनीता शर्मा, सर्वेश पटेल, हरीश जाटव, नितिन सोनी, महिला मोर्चा महानगर अध्यक्ष विजय लक्ष्मी पंडित, युवा मोर्चा महानगर अध्यक्ष अभिषेक चौबे, चकित चौधरी, राजेंद्र अग्रवाल, राजेश रस्तोगी, तिशान चौधरी, अभिषेक राठौर, डॉक्टर मदलसा शर्मा, शीतल राजपूत, रेणु चौधरी, सुनीता सैनी, फरहान अंसारी, अंजना सहगल, हरीश भसील, भरत टंडन, मंडल अध्यक्ष विपिन प्रजापति, आलोक सैनी, सोनू सुमन, हरीश प्रजापति, संजीव चौहान, मंगल सेन राजपूत, अमित सिंह, प्रतीक मित्तल, सुमनेश सिंह, मोहनलाल, अरविंद सिंह, अमित शर्मा, प्रदीप प्रभाकर, विशाल सिंह, गोलू, अमित गुप्ता, सुमित चौहान, दिशांत चौधरी, सोनू शर्मा, योगेश गुप्ता, एहसान फारूकी, सूर्य मोहन शमशेरी, जमशेद अली, पंकज यादव, कुलदीप नारायण, विनोद शर्मा, योगेंद्र रस्तोगी, हरीश प्रजापति, सोमपाल प्रजापति, हरेंद्र शर्मा, विक्की कुमार, दिनेश शुक्ला, हरीश वर्मा, आकाश भारद्वाज, अल फरीद नूर, संजीव सैनी, दीपक कश्यप, संजीव चौधरी वाल्मीकि, दिलीप दिवाकर, नीरज कुमार, अमितोष कुमार, विपुल कुमार, प्रिंस यादव, विशाल आनंद, मोहित तोमर, कन्हैया ठाकुर, दिनेश चंद्र गोला, अमित कुमार शर्मा, प्रमोद कुमार, सुखदेव शर्मा आदि सैकड़ों की संख्या में महानगर मोर्चा एवं प्रकोष्ठों के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता शामिल रहे। प्रदर्शन किया गया जो झारखंड के राज्यसभा के सांसद एक जो कि कांग्रेस से हैं, उनके घर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने उनके परिसर से 300 करोड़ की नकदी छापा मारा है, प्राप्त हुई है, जो कि एक बहुत ही अक्षम्य अपराध है। 300 करोड़ की संपत्ति ये कहाँ से आई, कैसे आई, ये उसका ब्यौरा नहीं दे पा रहा है और ना ही दे सकते। तो 300 करोड़ एक बहुत बड़ी एक रकम होती है और यह इन्होंने किस तरह से भ्रष्टाचारों में लिप्त होकर जो करा है, जहाँ जहाँ कांग्रेस की सत्ता होती है वहाँ वहाँ ये भ्रष्टाचार के माध्यम से देश की जनता को लूट रहे हैं। और ऐसे सांसद जो कि माननीय संसद के सदस्य हैं, वो लोग अगर इस तरह से देश की जनता का पैसा लूट लूट कर अपनी तिजोरियां भरेंगे तो ये नहीं होने वाला है। आज मोदी जी की सरकार है केंद्र में और ऐसे लोगों के खिलाफ हम का माननीय राष्ट्रपति महोदया से हमने एक ज्ञापन दिया है जिलाधिकारी के माध्यम से और हमने उनसे अपील की है, उनसे मांग की है कि ऐसे भ्रष्टाचारियों जो राजनीतिक दल से हों या कहीं से भी हों, इनके खिलाफ़ कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई जांच करने के उपरांत करी जाए और ये किसी भी दल के सदस्य हों इनकी सदस्यता ख़त्म करी जाए और हो सके तो जिस दल के सदस्य इस तरह के कार्यों में लिप्त पाए जाते हैं
उस दल की भी राजनीतिक सदस्यता ख़त्म कर देनी चाहिए। और हमारी मांग है कि ऐसे भ्रष्टाचारियों को घोर से घोर, कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और उनको जेल में बंद किया जाए।